लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 2C, दैट इज फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिवाइड. हमें डिवाइड करना है फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज 11/24 को डिवाइड करना है बाय 7/8. फ्रेंड्स, इसका मतलब है बाय का मतलब बीच में, डिवाइड का साइन लगाइए, 7/8. अब हम 11/24 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद वाली डिजिट रेसिप्रोकल हो जाएगी, राइट फ्रेंड्स. अब देखिए 8 3 24, तो ये कितना आ गया, 11/21 इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज 6 whole 7/8 बाय 11/16. फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. 8 6 are 48, 48 plus 7 is 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/8 divided by 11/16. तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 55/8 मल्टीप्लाइड बाय 16/11. तो अब देखिए 8 2 are 16, 11 5 are 55, तो 5 2 are 10 इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 5 whole 5/9 करना है डिवाइड बाय 3 whole 1/3 से. तो कितना हो गया, 9 5 are 45 plus 5 is 50/9 डिवाइड करना है 3 3 are 9 10/3 से. तो ये कितना आ गया, 50/9 मल्टीप्लाई बाय 3/10. 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 3 are 9, दैट मीन्स 5/3. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है. 3 1 are 3 plus 2 is 5. लेट्स डू फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज डिवाइड करना है 32 by 1 whole 3/5 से. तो देखिए 32 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख देती हूँ. डिवाइड 5 1 are 5 6 7 8/5. तो ये क्या हो गया, 32 into 5/8. 8 1 are 8 8 4 are 32, दैट इज 20 इज द आंसर. लेट्स डू फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज डिवाइड 45 by 1 whole 4/5 से हमें डिवाइड करना है. तो आ गया 45 divide 5 1 are 5 9/5. तो ये कितना आ गया, 45 divide कीजिए मल्टीप्लाई 5/9 9 5 are 45, दैट मीन्स 25 इज द आंसर. लेट्स डू लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट इज डिवाइड 63 by 2 whole 1/4. तो ये कितना आ गया, 63 को डिवाइड किया, 4 2 are 8 9/4 हो गया. तो 63 मल्टीप्लाई किया 4/9 9 7 are 63, तो 7 4 is 28 इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 2C, दैट इज फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज अ रोप ऑफ लेंथ 13 whole 1/2 meter हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 pieces ऑफ सेम लेंथ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस. फ्रेंड्स, हमें टोटल लेंथ दे रखी है 13 whole 1/2 meter की, जिसको हमें 9 pieces में डिवाइड करना है इक्वल लेंथ में. तो हमें हर एक पीस का वो बताना है, एक पीस का डायमेंशन कितना होगा. तो हमें हमें पता है टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल्स टू 13 whole 1/2 meter, राइट फ्रेंड्स. हमें कितने में डिवाइड करना है, 9 में. तो ईच पीस की लेंथ, ईच पीस लेंथ इज इक्वल्स टू, फ्रेंड्स हमें 9 टोटल लेंथ ऑफ रोप दे रखी है और उसको एक की पीस की लेंथ निकालनी है. तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे जब भी एक का निकालना होता है, राइट फ्रेंड्स. तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करेंगे. 13 2 are 26 27/2 मल्टीप्लाई 1/9. 9 3 are 27, दैट मीन्स 3/2, और वी कैन से दैट 1 whole 1/2 इज द आंसर, मीटर इज द आंसर.
leads to question number 5th of exercise 2C. Question number 5th is 18 boxes of nail weight equally and their total weight is 49 whole 1 upon 2 kg. 18 boxes का total weight 49 whole 1 upon 2 kg है. तो हमें एक box का weight निकालना है. Weight of 18 boxes of nail is equals to 49 whole 1 upon 2 kg है. तो weight of one box of nail कितना होगा? एक का निकालना है तो हम क्या करते थे? Divide करते थे. Divide by 18. तो ये कितना आया? 49 2's कितना हुआ? 2 9's 18 was 8 and 9 plus 1 99 upon 2 divided by 18. तो ये कितना आ गया? 99 by 2 multiplied by 1 upon 18. अब 9 ones are 9, 9 ones are 9, 9 2s are 18. That means 11 upon 4 आ गया. तो अब इसको देखिए फ्रैक्शन में कर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है. 4 2s are 8, 9 10 11. तो क्या आ गया? 2 whole 3 upon 4 kgs the answer. एक बॉक्स में इतना केजी है नेल है. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.